कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज गिरफ्तार कर लिया। कल कोर्ट में भारती की पेशी होगी। भारती ने ड्रग्स लेने की बात मान ली है। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले दो दिन में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी की टीम ने आज सुबह भारती के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में भारती के फ्लैट से 86.5 ग्राम गांजा मिला, जिसके बाद एनसीबी ने भारती को दफ्तर समन किया और 3 घंटे पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडलर के मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर भारती को गिरफ्तार किया गया है। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। ये पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर है। आतंकियों से बरामद डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट से इस बात का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बने इस डिजिटल मोबाइल रेडियो में जांच एजेंसियों को आतंकियों और उनके हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत के सबूत मिले हैं। बातचीत में हैंडलर आतंकियों से पहुंचने के बारे में पूछ रहे हैं। आतंकियों और हैंडलर के ये सारे संदेश रात 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। 19 नवम्बर को जम्मू के नगरोटा में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हैंडलर रऊफ अजहर पाकिस्तान पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान के शक्करगढ़ पोस्ट इलाके में देखा गया। वहीं जैश के 4 आतंकी जिस ट्रक में सवार थे, उस ट्रक ने जम्मू के सांबा जिले के सरो टोल प्लाजा को सुबह 3:42 पर क्रॉस किया था। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक ड्राइवर टोल पर दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंच गए हैं। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर और जयललिता को श्रद्धांजलि भी देंगे। अमित शाह ने एआईएडीएमके और बीजेपी ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री और अमित शाह ने बैठक की। तमिलनाडु ने जिस तरह से विकास किया था, मुझे भरोसा है कि पलानीस्वामी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु इसी रास्ते पर आगे बढ़कर देश का सबसे अच्छा राज्य बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज हो रही है। टेस्टिंग का आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में जांच में आई तेजी के चलते देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 13.06 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं जी न्यूज से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश के 80% लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। उनके मुताबिक कोरोना की वैक्सीन अगले साल मार्च तक लोगों के पास पहुंच जाएगी। और हमें लापरवाही तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी ये सही बात है कि 80% से भी ज्यादा लोग आज भी हम वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इस वायरस को सीरियसली लीजिए। ये वायरस जो है एक ही बारी नहीं आ रहा। हम ये भी देख रहे हैं कि जिनको पहले एक बारी हो जाता है उसको बाद भी आता है, ये पक्की बात है। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 90,50,597 हो गई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 93.67% है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.